सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखें और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा करें। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20 के आखिर में दिया गया कविता जो है तारे। तो बच्चों, यहाँ पे हम इस कविता के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ करके जाना कि जो तारे होते हैं, हम सभी जानते हैं वैसे तो कि तारे जो होते हैं वो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, और वो सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी और समझी जो हम पहले से इन तारों के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से जो तारे हैं हमसे बहुत दूर होते हैं और आसमान में ये इस तरह से टिमटिमाते हैं जैसे लगता है कि ये छोटी दिया जो दूर कहीं जल रही होती है उसकी तरह दिखाई देते हैं। तो चलिए हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं और पढ़ करके एक बार जो भी पढ़ा था उसके बारे में दोहराते हैं। उससे पहले बच्चों की, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा था और हमने इस कविता को पढ़ करके के हमने मनोरंजन हमारा हुआ और एक तरह से हमने खेल खेल में बहुत सारे ज्ञान भी प्राप्त हमने किया और प्रकृति प्रेम का भी दर्शन हमें हुआ। मतलब कि बच्चों, कविताओं के द्वारा, क्योंकि जो कविता होती है उसमें प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अगर दिया गया है और उसके बारे में हमें बताया गया है तो वहाँ हमें प्रकृति के का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे भी हमने जाना कि तारे जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं और सूरज भी एक तारा होता है। आसमान में रात में सिर्फ चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं और जो जब सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी के आगे सब छुप जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। उसकी रोशनी के आगे आसमान में चंद्रमा भी होता है, तारे भी होते हैं। दिन में भी वो जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी होते हैं वो तारे तो अपने अपने जगह पे ही होते हैं और जो चंद्रमा है चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसकी वो जहाँ भी होता है वो सूरज की रोशनी से छुप जाता है, यानी कि छिप जाता है। तो बच्चों, वो हमें दिखाई नहीं देता, होता है आसमान में लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो तारों की रोशनी होती है बहुत कम होती है, हल्की होती है, और सूरज की तेज रोशनी के आगे वो छुप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि किस तरह से जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे चमचमाते हुए दिखाई देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो चंद्रमा के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तारे आसमान में होते हैं और आसमान में हमें ऐसा लगता है कि वो बादलों के पीछे छुप कर या बादलों से के बाहर आकर हमसे छुपी खेल रहे हैं और हम सभी को बुला रहे हैं अपने साथ खेलने को, और चंद्रमा के साथ मिलकर लुका छुपी खेल रहे हैं। और उसके बाद आखिरी अनुच्छेद में हमें पता चलता है कि जो हमको अपने पास ये तारे, ऐसा हमें समझ में आता है या ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये तारे हमें अपने पास बुला रहे हैं और हमें भी अपने साथ लुका छुपी खेलने को कह रहे हैं। और जब, लेकिन जैसे ही सूरज दादा आते हैं ये सारे तारे छुप जाते हैं, यानी कि हमें नहीं दिखाई देते। होते तो हैं ये, लेकिन सूरज की रोशनी के आगे ये सब छुप जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सूरज को दादा बोला गया। तो चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं, दमदम दमदम दमक रहे हैं, आसमान में नन्हे तारे कितने सुंदर कितने प्यारे। जो आसमान में तारे सूरज की तरह या सोने की तरह चमक रहे हैं, चांदी की तरह दमक रहे हैं और छोटे छोटे आसमान में दिखाई दे रहे हैं, तो कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी बादलों के पीछे छुप जाते हैं और कभी कभी दिखने लगते हैं, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो लुका छिपी खेल रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि चांद के साथ वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, यानी कि आंख मिचौनी का खेल। छुपन छुपाई नहीं, आंख मिचौनी। छुपन छुपाई में तो हम छुप जाते हैं, लेकिन आंख मिचौनी में हम अपनी आंखें मीच लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बाकी लोग छुप जाते हैं। तो इस तरह से ये आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं, हमको आंख मिचौनी का खेल खेलते हुए नजर आते हैं और हमको अपने पास बुलाते टिम 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 करते तारे, यानी टिमटिमाते हैं। बहुत तेज नहीं चमकते हैं, हल्की रोशनी इनके अंदर होती है क्योंकि बहुत ये दूर होते हैं, तो हमें कभी लगता है कि ये बुझ गए हैं
और कभी जल गए, या फिर कभी लगता है इनकी रोशनी बहुत हल्की हो गई है और कभी तेज हो गई है, तो ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूरज दाता दादा के आते ही, क्योंकि सूरज दादा की रोशनी बहुत तेज होती है, ऐसा लगता है ये सारे गायब हो गए, यानी छू मंतर हो गए। तो ये पूरी कविता है जिसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा और परीक्षा में भी अब तो आपको कविताएं सुनाना है, आप इस कविता को सुनाइए। तो बच्चों चलिए हम हमारा अगला पाठ शुरू करते हैं। तारे तो हमने पढ़ लिया, आप इसे सिर्फ अपनी कक्षा फॉरम में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, इस पाठ के बाद हमारा अगला अभ्यास यानी अभ्यास संयुक्त अक्षर, स पे बिंदी संयुक्त आधा क त अक्षर, अ क्षर और र संयुक्त अक्षर। तो अभी तक हमने इसे पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ संयुक्त अक्षरों को पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग तरह के संयुक्त अक्षरों को पढ़ेंगे। तो पहले भी हमने कुछ ऐसे संयुक्त अक्षरों को पिछले पाठ में पढ़ा था जो दो अलग अलग अक्षरों को मिलकर के एक तीसरा अक्षर बनता है, मतलब उसका चिन्ह ही अलग होता है, यानी कि एक नया व्यंजन या अक्षर बन रहा था। तो यहाँ पे हमने चार व्यंजनों के बारे में पढ़ा था और उनका प्रयोग भी किया था पाठ में, और उसको बनाना और उसका प्रयोग भी हमने सीखा था। अब मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ में भी हम कुछ और संयुक्त अक्षर को पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इनको एक साथ मिला करके शब्द बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ लेंगे समान, स मा न समान। हमारे पास है समान वर्णों, वर्णों समान वर्णों, बिंदी है का में समान वर्णों का, मौ पे एक ही मात्रा में ल। तो चलिए बच्चों अब जो ये समान वर्णों के मेल वाले शब्द होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक समान वर्ण को, एक ही वर्ण को, एक आधा और एक पूरा वर्ण को मिला करके हम शब्द बनाते हैं, जैसे कि आधा क और पूरा क, आधा क और पूरा क बना कक, ये बना आधा क और क बना कक। तो यहाँ पे जो हम दो व्यंजन ले रहे हैं वो दोनों एक ही, जैसे कि आधा वाला भी क है और पूरा वाला भी क है, और इसको मिलाकर के हमने शब्द बना, जो हमने नया संयुक्त व्यंजन बनाया वो कक हो गया। उसके बाद हमारे पास है च, आधा च और पूरा च। जब आधा च और पूरा च हम बनाएंगे तो ये जाएगा च च, तो ये हो गया हमारा दूसरा व्यंजन। उसके बाद हम बनाएंगे और मिलाएंगे आधा ट और पूरा ट, लट्टू। तो ये आपके किताब में दिए गए हैं, तो फिलहाल हम इनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लट और ट के साथ हम मात्रा भी लगा सकते हैं। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको हलंत लगा करके इस तरह से लिखें, या फिर हम इसको, या हम इसको आधा ट और इसके नीचे लिख करके भी हम इसको टट लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके से लिखे जाते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द हैं हम एक तरह से पहले लिखते हैं, तो ये जो हमने व्यंजन बनाया इसमें हमने दोनों व्यंजन जो आधा वाला और पूरा वाला है दोनों एक ही लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं क और क, च च ट ट, तो दोनों व्यंजन एक है, इसलिए हम इनको कहते हैं समान वर्णों का मेल, यानी ये वर्ण है क और क वर्ण है, दोनों आधा भी क है पूरा भी क है, तो ये हो गया समान वर्णों का मेल। ये है आधा च पूरा च, यहाँ पे भी दोनों एक ही है इसलिए हम इनको भी समान वर्णों का मेल कहेंगे। आधा ट पूरा ट ये भी एक ही है इसलिए इनको भी हम समान, समान मतलब एक जैसे, समान मतलब एक जैसे, समान वर्णों का मेल, जिन दो वर्णों को मिला रहे हैं दोनों एक ही है, यहाँ पे क क च च ट ट। चलिए अब इसे हम शब्द बनाते हैं, तो क क से बना मक्का, म आधा क पे आपकी मात्रा मक्का, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास ब, ब आधा च और पूरा च आपकी मात्रा बच्चा। उसके बाद हमारे पास है ट ल आधा ट पूरा ट उसके ऊपर बड़े की मात्रा लट्टू, ये हो गया लट्टू। इसी तरह से आप देख सकते हो बच्चों हम कुछ और शब्द बना सकते हैं, मक्का पक्का, ये हो गया प आधा क और पूरा क पक्का, उसी तरह बना क
आधा च पूरा च पर कच्चा, उसके बाद ट से बनेगा प आधा ट और पूरा ट पट्टी पट्टी पे बड़ी दिमागर पट्टी। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे हमने जो दो व्यंजन जिनको आधा आधा लिखा है दोनों एक ही, तो हमने यहाँ पे पहले आधा क मिलाया पूरा क मिलाया क क दोनों वर्ण या व्यंजन एक ही है ये बना क क, फिर आधा च पूरा च बना च च, आधा ट और पूरा ट बना टट ट, उसके बाद मक्का पक्का बच्चा कच्चा लट्टू पट्टी। तो ये शब्द हैं जिसमें हमने एक समान वर्णों को लिया है और एक समान वर्णों को मिला करके हमने आधा व्यंजन बनाया है और उसके बाद उससे हमने नए नए शब्द बनाए हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये है समान वर्णों के मेल वाले शब्द। तो बच्चों ये है समान वर्ण के मेल वाले शब्द जहाँ पे हमने दोनों वर्ण एक ही लिए हैं क क च च ट ट, समान वर्णों का मेल। यहाँ पे हमने एक समान वर्णों को मिला करके आधा और पूरा दोनों एक ही वर्ण को लेकर के शब्द बनाए। अब इसके विपरीत दूसरे जो प्रकार के शब्द हैं वो असमान, असमान मतलब अलग अलग। अब जो हम शब्द बनाएंगे वो दो अलग अलग शब्दों को मिला करके बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं दो अलग अलग शब्दों को मिला करके आधा और पूरा लिख करके हम शब्द बनाते हैं। तो ये समान वर्णों का मेल हो गया। अब हम लिखेंगे असमान वर्णों का मेल। तो ये हो गया अ, इसमें बस अ लगाएंगे, अ उल्टा हो गया, समान का असमान उल्टा हो गया एकदम विपरीत। अब उसमें दोनों जो वर्ण आधे और पूरा हमने वर्ण लिए थे वो एक ही थे, अब यहाँ पे अलग अलग है। तो हम यहाँ पे अलग अलग वर्णों को लेकर शब्दों, यहाँ पे हम जो शब्द ले रहे हैं जैसे कि हमारे पास है आधा, हमारे पास है आधा स, आधा मतलब हलन, स के नीचे हलन और त, ये बना आधा स और त स्त। उसके बाद जो दूसरा हम ले रहे हैं वो है आधा क, यानी कि क के नीचे हलंत और ख, ये है ख। उसके बाद हमारे पास है आधा ल, यानी कि ल के नीचे हलंत और ह। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो जो आधा और पूरा शब्द बनेगा वो बनेगा क और ख ख, उसके बाद बना आधा ल और ह। अब इनसे हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों इनसे जो हम शब्द बनाएंगे वो शब्द स्त क ल, तो इससे हम शब्द बनाएंगे, शब्द बना पुस्तक पुस्तक पुस्तक। उसके बाद शब्द बना मक्खी, ये हो गया मक्खी, म आधा क ख पे बड़ी की मात्रा मक्खी। उसके बाद शब्द बना क पे छोटे की मात्रा आधा ल, क पे आ की मात्रा ड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। तो आधा स और त, आधा क और ख, आधा ल और ह, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों व्यंजन अलग अलग है, दोनों समान नहीं है असमान है, यानी कि जिन दो वर्णों को हमने मिलाया है दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इनको असमान, समान का उल्टा असमान, समान मतलब एक जैसे, असमान का मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे हमने दो जो दो व्यंजनों को या वर्णों को मिलाया है वो अलग अलग है, यहाँ पे स है, यहाँ पे त है, यहाँ क है, यहाँ ख है, यहाँ ल है, ह है। स अलग है, त अलग व्यंजन है, क अलग व्यंजन है, ख अलग व्यंजन है, ल अलग व्यंजन है, ह अलग व्यंजन है। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग व्यंजनों को मिला करके शब्द बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं पुस्तक से हम बना सकते हैं सस्ता, स आधा मतलब आधा स और से सस, त पे आती मात्रा ता, रास्ता मक्खी मक्खन मक्खन मक्खन, और कुल्हाड़ी से भी इसी तरह हम और भी शब्द बना सकते हैं। तो आप इसी तरह के और भी शब्द बनाएंगे और
बना करके उनका अभ्यास करेंगे। तो जितना ही ज्यादा आप शब्द देखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतने ही सही आप लिखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, इस तरह के और भी शब्दों को लिखिएगा, लिख करके संयुक्त असमान और समान वर्णों का मेल का को समझिएगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।